श्री राधे राधे। भक्तों, सामान्य मनुष्य का जीवन तो अपने स्वार्थ के ही इर्द गिर्द रहता है। अधिक से अधिक अपने परिवार का हित चाहता हूं, कुछ ज्यादा हृदय विशाल हो तो कुटुंब का, मोहल्ले का बहुत ज्यादा उदारता हो तो, नहीं तो बस अपना, और इससे ज्यादा हुआ तो परिवार का। और कई तो ऐसे भी होते हैं संकीर्ण हृदय वाले कि परिवार का भी हित नहीं करते, केवल अपना ही चाहते हैं। अपना ही चाहना, परिवार का भी नहीं चाहना तो बहुत संकीर्णता है। लेकिन संत लोग ऐसे होते हैं जो सबका भला चाहते हैं। भला भी कितने प्रकार के होते हैं आप नहीं गिनती कर पाओगे। उनमें बहुत सा तो सुनने को मिलता है, स्वास्थ्य सेवा करना, धन संपत्ति, खाना पीना, बिजली पानी, सुख सुविधा, कपड़े लत्ते, अन्न दान आदि करना, लोग करते हैं, सब अच्छा है। अज्ञानी को ज्ञान प्रदान करना, निर्भयता भयभीत को प्रदान करना, ये दैवी दान होते हैं। किंतु भक्तों, इन सबसे ऊपर जो दान होता है वो प्रभु का प्रेम प्रदान करना होता है। और ये वही कर सकता है जिसको प्रभु से प्रेम प्राप्त हो चुका हो। इसमें पैसा भी काम नहीं कर पाएगा। धन संपत्ति और वस्तुओं को देने के लिए तो पैसे से काम हो जाता है, लेकिन भगवान का प्रेम आप दान कर सको, इसके लिए पहले आपको प्रेमी बनना पड़ेगा और विशेष प्रेमी बनना पड़ेगा। सामान्य प्रेमी तो प्रेम दान भी नहीं कर सकता है। विशेष प्रेमी ही प्रभु से प्रार्थना करके अपने दृढ़ संकल्प से किसी को प्रेम दान दे सकता है। और ऐसे सर्वजन हितैषी, संत अतिथि सेवी, उत्सव प्रिय, प्रेम मूर्ति एक संत थे, पूज्यपाद श्री गंगादास जी मौनी बाबा। ये वृंदावन में भी रहे और पहले ये पीलीभीत में रहे, उत्तर प्रदेश में पीलीभीत है। आज उन्हीं की चर्चावली में आपको सुनाने जा रहा हूं प्रभु कृपा से। पूज्यपाद श्री मौनी बाबा पीलीभीत जनपद उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल में अवतीर्ण हुए थे और गृहस्थी की विराट बेड़ियों को काट करके अपने तप, त्याग और वैराग्य के स्वरूप में आ गए। साधु समाज में विचरण करते करते श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी सरकार के कृपा पात्र श्री लाल दास जी महाराज के स्नेह भाजन और कृपा भाजन बन करके उनका अमृतमय वरद हस्त सदगुरु स्वरूप में प्राप्त किया। बाबा मौनी बाबा या गंगादास, जिनको आप आगे चल के जानेंगे, ये बहुत तपस्वी थे। तपस्या भक्तों युवावस्था में ही हो सकती है, वृद्धावस्था में तो शरीर रोगों का घर बन जाता है, तो उसी को ठीक करने में आदमी लगा रहता है। शरीर में जब युवावस्था हो, बल हो, तभी तप त्याग हो सकता है, तितिक्षा हो सकती है। और इनका स्वरूप ही ऐसा था। बाबा गंगादास जी का तपस्वी थे, त्यागी थे, तितिक्षु थे और बहुत प्रकार से अपने शरीर और इंद्रियों को कड़ी तपस्या में कसा था। ये संत ही करते हैं, अधिक अच्छे जो साधक होते हैं वही कर पाते हैं सब काम। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नियों में तपना, वर्षों टाट वस्त्र धारण करना, वर्षों धातु के पात्रों को प्रयोग न करना, वर्षों फलाहार ही करना, वर्षों मौन रखना,
कभी गुफावास करना और बड़े बड़े गंभीर अनुष्ठानों को करना, ये सब बाबा गंगादास के स्वभाव में था। भोगी व्यक्ति बिल्कुल नहीं थे वो। और प्रेम और संत अतिथि सेवा उनका व्रत था। भगवान से प्रेम करना, भगवान के भक्तों से प्रेम करना, संतों की सेवा, कोई भी दीन दुखी गरीब और अतिथि आ जाए उसकी सेवा करना, इनका ये नियम था। पतित पावनी क्लेश हारिणी गंगा मैया के तट पर ढाई घाट माघी राम नगरिया इन शिविरों का आयोजन करते थे। संतों का सत्संग और संतों और भक्तों की सेवा करते थे। ऐसे पवित्र कार्यों में गंगादास का मन लगता था और ऐसे कार्यों में लगे रहते थे। महान सात्विक पुरुष थे। 12 वर्ष माघ स्नान वो कुंभ स्नान प्रयागराज त्रिवेणी संगम पर वृहद शिविर आयोजित करके व्यापक संत सेवा करते रहे। शाहजहांपुर पीलीभीत और बरेली के मिले जुले ग्रामीण क्षेत्र में बाबा गंगादास विचरण करते रहे और प्रभु इच्छा संत की मौज एक दिन 4 संतों के साथ में पौकी ग्राम में किन्हीं विलक्षण भक्त विशेष के यहां पहुंच गए। उन भक्त के अटपटे स्वभाव के कारण अन्य संत तो चले गए परंतु गंगादास जी बाबा डटे रहे। और बाद में उन गृहस्थ बड़े ज्ञानी भक्त को ये समझ में आया कि बाबा गंगादास बहुत अच्छे संत हैं, अटपटे स्वभाव के कारण और लोग चले गए या नहीं गए। फिर तो बाबा गंगादास की भाव भी नहीं सेवा किया उन्होंने। और निकट में मीरानपुर कटरा रेलवे स्टेशन के समीप ही पश्चिम दिशा में रेलवे लाइन सीमा अंतर्गत एक ब्रह्मदेव पीपल महाराज का पावन वृक्ष खड़ा है। उनके चारों ओर चबूतरा बना हुआ। बाबा गंगादास घूमते हुए वहां पहुंच गए और चबूतरे पर आसन जमा दिया। कई दिन तक वहीं बैठे रहे। बाबा के संकल्प और निष्ठा को देख करके भक्त समुदाय एकत्र होने लगे। फूस की झोपड़ी बनी, मंदिर की योजना बनी, भव्य मंदिर बना, श्री सीताराम दरबार की स्थापना हुई और ऐसा विराट उत्सव हुआ कि उसमें रिद्धियों सिद्धियों ने सेवा की। कई एकड़ में टेंट राउटी ये सब लगाई गई। घी आटा चीनी और फलों के अंबार लगे हुए थे। प्रत्येक पदार्थ अनंत था। बहुत ही भावपूर्वक उन्होंने मिष्ठान रसगुल्ला काला जाम आदि खूब बनाए बड़े बड़े और संतों की सेवा गरीबों की सेवा अतिथि अभ्यागतों की सेवा में भावपूर्वक लगे। इच्छा भोजन था जिसको जो चाहिए भरपूर था और पूरे क्षेत्र में धूम मच गई। हरिनाम संकीर्तन की गंगा बहने लगी। गंगादास बाबा ने हरिनाम संकीर्तन की गंगा बहा दी। पूरी जनता धूम के साथ नाम कीर्तन कर रही थी और बाबा ने कटरा आश्रम की सुदृढ़ व्यवस्था कर दी। बाग बगीचा और कृषि योग्य ठाकुर सेवा हेतु कुछ भूमि शोधन करा दिया। अच्छी संत सेवा होने लगी भक्तों। इसी प्रकार विचरण करते हुए नवाबगंज बरेली की ओर पहुंचे बाबा और कांजी हाउस स्थान पर मंदिर पर लगभग 1 वर्ष रहे। सत्संग संकीर्तन प्रचार करते रहे। बड़े भाव से परमार्थ में लगे रहते थे बाबा। और खड़े रह करके कई मास खड़ेश्वर अनुष्ठान भी किया और नवाबगंज में लाला श्री ब्रजलाल जी सर्राफ अच्छे संपन्न भक्त सुजन
बाबा के प्रति उनका आदर भाव और स्नेह भाव बना हुआ था। वो बाबा को वहां से नगर के मध्य अपने स्थान पर ले आए। भक्त की भावना देख करके बाबा बहुत प्रेम से आकर के भगवत भजन और संत सेवा परमार्थ आदि में लगे। और ये तो भक्त जो थे ब्रजलाल जी सर्राफ बाबा के बड़े प्रेमी। बाबा सेठ जी के प्रेम में भाव विभोर हो गए। यहां तक कि लाला जी ने बाबा के प्रति वात्सल्य भाव मन में बनाकर बहुत सेवा की उनकी बाबा की। सेठ जी ने अपने निवास से संलग्न स्वयं वो भक्तों के सहयोग से मंदिर व आश्रम बनवा दिया और सत्संग और संकीर्तन की अच्छी व्यवस्था की। आश्रम भक्तों बाद में भी खूब अब भी सुचारू रूप से चल रहा है। और श्री ब्रजलाल जी के माध्यम से ही बाबा पूज्य भैया जी के पास बरेली पधारे और भैया जी के भक्त परिवार के एक महत्वपूर्ण अंग सिद्ध हो गए। भैया जी के संपूर्ण भक्त परिवार क्षेत्र में उनकी व्यापक और प्रगाढ़ आत्मीयता पूर्ण रति और गति हो गई। भक्तों बाबा गंगादास यत्र तत्र संकीर्तन अनुष्ठान ये सब करते रहे और भैया जी की दोनों षडमासिक वो समस्त ब्रज यात्राओं में उत्साह पूर्वक बजरंग बली की भांति सहयोग देते थे। प्रारंभ में यात्राओं का लघु रूप था, कहीं भी वन विहड़ में आश्रय लेकर निर्वाह हो जाया करता था, किंतु जब यात्रा का बृहत रूप हुआ और 100, 200, 400 व्यक्ति हो गए तब तो धर्मशालाओं में भी जगह मिलनी कठिन हो गई। धर्मशालाओं के लोग कहने लगे इतने आदमियों के लिए तो नहीं हो पाएगा भाई। तो इस स्थिति को बाबा ने बड़ी गहराई से विचार लिया गंगादास बाबा ने। और जहां बाबा प्रेम के हाथ बिक जाते थे वहीं वे बड़े भावुक और आत्मसम्मानी भी थे। उन्होंने यात्रा की ठहरने की असुविधा समझकर वृंदावन में एक आश्रम बनाने का संकल्प कर लिया और ठाकुर जी की असीम कृपा से अटल्ला चुंगी के पास गौशाला नगर में हरे राम हरे कृष्ण के नाम से भव्य आश्रम का निर्माण किया। और ये आश्रम बरेली, बदायूं, चंदौसी, शाहजहांपुर, पीलीभीत एवं अन्य स्थानों के भक्तों और संतों का आश्रय स्थल बन गया। यहाँ अतिथि भक्त संतों विद्यार्थियों की अनवरत सेवा होने लगी और बाबा का दृढ़ संकल्प था, इसलिए सब बड़े प्रेम से हो रहा था। सदगुरु बाबा श्री लालदास जी महाराज की प्रेरणा से यह स्थान सीताराम महाराज को समर्पित किया गया। जब बाबा का स्वास्थ्य दिनों दिन गिरने लगा और मालिक श्री सीताराम जी महाराज अपने आसन पर नहीं आ पाए तब इनको चिंता हुई और प्रभु इच्छा से वैशाख शुक्ल तृतीया संबत 2053 उस समय सीताराम जी की स्थापना हो गई मंदिर में और बाबा के जीवन की एक बहुत बड़ी साध पूरी हुई। भक्तों शरीर तो प्रारब्धाधीन होता है, धीरे धीरे बाबा के स्वास्थ्य में भारी गिरावट आ गई। स्थानीय वैद्य डॉक्टर दिल्ली व आगरा के बड़े बड़े अस्पताल में चिकित्सा बाबा की हुई और इस कार्य में महाराज श्री श्रीपाद जी ने बहुत चेतना शक्ति का विनियोग किया, उत्तमोत्तम चिकित्सीय व्यवस्था और सेवा भार सब संभाला बाबा ने श्रीपाद जी में। और भक्तों भगवत इच्छा ही कहा जाएगा कि 13 अगस्त 1966 में वृंदावन में गंगादास बाबा ने स्थूल शरीर का त्याग किया, भगवत धाम की प्राप्ति किया। बहुत ही भाव विभोर जनता ने
विमानारूढ़ करके वृंदावन नगर की वीथियों में अटन करते हुए यमुना मैया की पावन रज में पंचीभूत कर दिया शरीर को, चिर विश्रांति के लिए ब्रज में की रज, ब्रज की रज में। और बाबा का महामंत्र इष्ट मंत्र था। अनुष्ठानों शिविर आयोजनों में सप्ताहों मासों भर महामंत्र का संकीर्तन साज बाज के साथ चलता रहता था। गायन वादन के अच्छे ज्ञाता थे गंगादास बाबा। आश्रम में क्षेत्र के अच्छे अच्छे गायक वादक आते थे और उनको खूब भजन कीर्तन होता था। करुण क्रंदन के साथ भाव विभोर होकर मस्ती में जब बाबा गंगादास जी महामंत्र गाते थे तो भक्तों के नेत्र गीले हो जाते थे, प्रेम विभोर हो जाते थे लोग। पूज्य बाबा ने वृंदावन में आश्रम संतों भक्तों की सेवा के संकल्प से बनवाया। सेवा उनका इष्ट रहा भक्तों, बाबा सेवा के लिए जीते थे। अपने शरीर की रुग्णावस्था को देखकर उन्हें बेचैनी होती थी कि पीछे आश्रम की सेवा की व्यवस्था का क्या होगा। आश्रम व्यवस्था के प्रसंग को लेकर उलझन में कभी कभी पड़ते थे। कभी कभी अपने अनुज गुरु भाई श्री लरेटी दास उनसे भी विनय करते थे, अनुनय करते थे, भैया इस आश्रम को संभाल लो, किंतु बाबा लरेटी दास जी संकोचवश प्रकट रूप से कुछ नहीं कर पाए। बाबा के निकुंज वास के उपरांत आश्रम व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हुआ। उचित समय पर आश्रम की अपेक्षा के अनुरूप लड़ाईती दास बाबा ने विवेक त्याग एवं प्रतीक्षा पूर्वक आश्रम की व्यवस्था संभाल ली और बड़ी योग्यता एवं कुशलता पूर्वक आश्रम का संचालन व संत भक्त सेवा कार्य करना प्रारंभ कर दिया। आश्रम की पूर्ण सुरक्षा का उत्तरदायित्व लिया। ठाकुर जी उन्हें ऐसी शक्ति दिए, आश्रम का विकास भी किया खूब। वक्त तो मैंने आपको पहले बतलाया था कि ये भैया जी और गंगा माता और ये बाबा गंगादास, इनके साथ मामा जी भी थे, पूज्य मामा जी, जिनकी चरितावली मैं पहले आपको सुना चुका हूँ, बक्सर वाले नारायण दास, जिनको मामा जी कहा जाता था। और इन्हीं मामा जी के प्रेमी श्रीपाद जी महाराज साथ में थे। ये सब महान पुरुषों का एक बड़ा प्रेम पूर्वक संगठन बना हुआ था। और श्रीपाद जी की भी चर्चावली मैं आपको सुना चुका हूं भक्तों। बाबा श्रीपाद जी तो बहुत ही आनंद के सिंधु और रस सागर माने जाते थे, निवृत्त निकुंज रस लोलुप कहे जाते थे। और ब्रज एकेडमी के द्वारा उन्होंने बहुत साहित्य सेवा की। और कितने बड़े योगी थे मैं आपको पहले प्रसंग में इनकी चरित्र में सुना चुका हूं। तो इन लोगों का जो एक प्रेम भरा हुआ संगठन बना हुआ था, भैया जी, गंगा माता, गंगादास, मामा जी और बाबा श्रीपाद जी, एक से एक महान प्रेमी भगवत भक्त थे। नाम और लीला चिंतन के धनी श्री भैया जी, अष्टयाम सेवा प्रेमी श्री गंगा बुआ जी, तप त्याग तितिक्षा एवं अनुष्ठान सेवा परायण मौनी बाबा गंगादास जी, और भागवत कथा कीर्तन प्रेमी लोक वंदनीय मामा जी, भक्तमाली जी जिनको कहा जाता था, ये भक्ति पथ के सभी अंग विभूतियों का समावेश इन लोगों में था। और रसास्वादन करते थे और कराते थे प्रभु के प्रेम का। और इन्हीं लोगों में श्रीपाद जी बाबा महान सिद्ध पुरुष थे। और इनकी पहुंच सरकार में भी अच्छी थी, इसलिए इनके द्वारा बड़े बड़े सेवा कार्य होते थे। पहले जंगलों में होकर के लोग वृंदावन की ओर गिरिराज जी की परिक्रमा करते थे,
तो बाबा श्रीपाद जी की ही कृपा से पहले परिक्रमा मार्ग बने थे वृंदावन के और गिरिराज जी के। बाद में फिर गवर्नमेंट ने उस कार्य को आगे बढ़ाया और सुंदर से सुंदर परिक्रमा मार्ग बनते गए और तो बहुत अच्छे मार्ग बने हुए हैं, छायादार और पैदल चलने के मुलायम ब्रजरज के मार्ग श्री वृंदावन धाम में, और गिरिराज जी में भी लाइट की व्यवस्था हो गई। पहले बिल्कुल अंधेरे में जंगल में कांटों में झाड़ियों में चलना पड़ता था। तो इन महापुरुषों ने भक्तों के हित के लिए बहुत कार्य किए। ये बाबा श्रीपाद जी की बात मैं बता रहा था परिक्रमा की, ये बड़े तपस्वी थे, वर्षों वर्षों हिमालय के ऊपर रहते थे और शरीर बाबा के साथ रहते थे। शरीर बाबा महान सिद्ध पुरुष थे, ऐसे अद्भुत थे श्रीपाद जी बाबा। संपूर्ण ब्रज में बरसाना नंदगांव वृंदावन और गिरिराज जी की तलहटियों में तथा श्यामा श्याम की लीला स्थलियों में इन लोगों का सत्संग होता था, इन महान महान संतों का। और वो ब्रज चेतना श्री कृष्ण चेतना नित्य निकुंज लीला विहार की रसानुभूतियों से अनुप्राणित था। ऐसे इन संतों का जो समुदाय प्रेम भरा हुआ भगवत सेवा का भक्ति सेवा का बना हुआ था, उन्होंने इस समुदाय के द्वारा इन संतों के द्वारा जो सेवा कार्य किया वो अविस्मरणीय। भक्तों इन सब महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।